नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। डीएलएड प्रशिक्षण कटनी ड्राइड सेंटर में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने डीएलएड की पढ़ाई करने वाले शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, ताकि ये तमाम ट्रेनी शिक्षक पूरी तरह प्रशिक्षित होकर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकें। इसी के मद्देनजर कटनी जिले के डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में इन तमाम डीएलएड के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी गई, ताकि ये जिले के अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएं। साथ ही उन्हें इस बात का भी अभी अनुभव हो सके कि पढ़ने और पढ़ाने के बीच क्या फर्क है। खास बात यह है कि इसके लिए ट्रेनिंग शिक्षकों के अलावा उन तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ भी वर्कशॉप किया गया, जिनके स्कूलों में जाकर उन्हें पढ़ाना है। डाइट के लेक्चरर राजेंद्र असाठी ने बताया कि इस तरह के वर्कशॉप से ट्रेनिंग शिक्षकों के अलावा स्कूलों के प्राचार्यों को भी शिक्षा की नई तकनीकों को समझाया जाता है। पहले तो जिले में डीएलएड कर रहे तकरीबन 700 ट्रेनिंग शिक्षकों को सेमिनार के जरिए समझाया गया उन्हें स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। कुल मिलाकर यह एक तरह से इंटर्नशिप है, जिसमें सेकेंड ईयर के छात्र 12 दिनों तक विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी 48 दिनों तक स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। इन ट्रेनिंग शिक्षकों की निगरानी और उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्कूलों के प्राचार्यों को भी 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। डाइट के लेक्चरर मानते हैं कि यह एक बेहतर कदम है, जिससे उत्कृष्ट शिक्षा देना बेहद आसान होगा। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कटनी है, जिसको हम लोग डाइट कटनी भी कहते हैं, तो डाइट कटनी में जो हमारा डीएलएड का पाठ्यक्रम है, उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनकी संख्या पूरे ज़िले में लगभग कटनी ज़िले में 700 है बच्चों की संख्या। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, ये स्कूलों में इंटर्नशिप के लिए गए हैं। इंटर्नशिप का आशय ये है कि हमारा बच्चा शिक्षकों के साथ रह के ये सीखता है कि उसको कैसे बेहतर शिक्षक बनना है। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे किसी बच्चे की केस स्टडी तैयार करना, एक्शन रिसर्च करना, लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करना, इस तरह से वो बहुत रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना, ऐसे बहुत सारे काम वहाँ पर जाके वो करता है। तो बच्चे को हमने एक सेमिनार के माध्यम से हमने अवगत कराया हुआ है, लेकिन स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं, वो कैसे हमारे बच्चों से काम कराएंगे, उसके लिए आज हमने डाइट कटनी में जो हमारे अशासकीय और शासकीय जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, उन 6 ब्लॉकों में से कटनी का हम पहले कर चुके थे ओरिएंटेशन, आज बाकी जो 5 ब्लॉक हैं उनके हेडमास्टर्स आज हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको हम एक एक करके बच्चों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जो सीखने सिखाने के तरीके हैं, उन पर भी हमने हेडमास्टर से चर्चा की है। ये हेडमास्टर्स यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में सहयोग करेंगे। और जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनकी हमारी इंटर्नशिप 12 दिन की है। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनकी हमारी इंटर्नशिप 48 दिन की है। तो इस तरह से इंटर्नशिप करने के बाद बच्चे हमारे संस्थान में आएंगे, और बाकी जो कॉलेजेस के बच्चे हैं वो उन कॉलेजेस में जाएंगे, और जाने के बाद वो इतने दिन के जो अनुभव हैं उनको साझा करेंगे। तो इन अनुभवों के साथ हमें ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर शिक्षक बनेंगे और आगे जाके कक्षाओं में बच्चों को बेहतर समझ के साथ अध्यापन का काम करेंगे। मैं राजेंद्र असाठी हूँ, मैं डाइट कटनी में लेक्चरर हूँ, और मैं इस सारी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो ज़िले में चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू।